हेलो, वेलकम यू ऑल। हम पीएमसी की पेड टेस्ट कर रहे हैं सीरीज़। उसमें पहले पेड टेस्ट हमने की और अपलोड की है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। अब पेड टेस्ट नंबर दो, टेस्ट नंबर दो जो है आज हम सॉल्व करेंगे पीएमसी, जो कि पेड है लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए फ्री है। पहला सवाल है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो रिलेटिव होते हैं सेम स्पीशीज़ के होते हैं, तो इसका जवाब होगा इंटरब्रीडिंग। ठीक हो गया। और नेक्स्ट सवाल है, थेलेक्वाइड इन क्लोरोप्लास्ट आर स्टक इनटू। अब थेलेक्वाइड क्या होते हैं? क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक क्वाइन दूसरे क्वाइन के ऊपर स्टक करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होता है ग्रेना, और सिंगुलर इसका ग्रेनम होता है। हु अपोज्ड द आइडिया द सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वाल। ये रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था, क्योंकि उसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। यूरिथ्रा एंड वेजिना हैव डैश ओपनिंग टू द एक्सटीरियर। अब यूरिथ्रा यूरिन के लिए इस्तेमाल होती है और वेजिना फॉर बर्थ केनाल। ये दोनों सेपरेट होते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंट इसका जवाब होगा। फोर्थ नंबर है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। अब एक एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है और पर यूनिट टाइम में, तो इसका जवाब होगा टर्न आवर नंबर। कितने टर्न आवर, क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है इसलिए टर्न आवर नंबर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन इन सार्कोमेयर। अब मायोसिन फिलामेंट अपीयर थिनर, मायोसिन तो थिक होते हैं, तो यहाँ से पहले स्टेटमेंट ही गलत हो गई। प्रियर टू कंट्रैक्शन देयर इज नो ओवरलैप। कंट्रैक्शन से पहले क्या ओवरलैप होती है? जी हाँ, लिटिल बिट, थोड़ी सी मायोसिन और एक्टिन की ओवरलैप होती है, जो कि ए बैंड बनाता है। द डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन अफेक्ट द ओवरऑल कंट्रैक्शन। हाँ, ये सही है कि इसमें सी नंबर सही है। द फंक्शन ऑफ लेम्फ नोड इज टू फिल्टर। लेम्फ क्या करता है? लेम्फ नोड लेम्फ को फिल्टर करता है। सीडोसीलोम डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये सवाल हमारे पंजाब बुक के टेक्स्ट से किंगडम एनीमिलिया से लिया हुआ है कि सीडोसीलोम कहाँ से डेवलप होता है? ब्लास्टोसील से डेवलप होता है। और ट्रूसीलोम हमारा स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से इवॉल्व होता है। अगर यहाँ पे अगर आपको टेस्ट में दिया हुआ है कि सीडोसीलोम कहाँ से हो रहा है और टेस्ट में आ जाए कि ट्रूसीलोम कहाँ से डेवलप होगा, तो जवाब होगा सी, लेकिन सीडोसीलोम के लिए ब्लास्टोसील। रिएक्शन इन विच सिंपल सब्सटेंस आर कम्बाइंड टू फॉर्म। अब सिंपल से कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बना रहा है, तो क्या होगा? एनाबोलिक प्रोसेस होगा। द लार्ज नंबर ऑफ बंडल फाइबर दैट जॉइन द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल में। अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से लिया हुआ है क्वेश्चन के लेफ्ट और राइट जो हेमीस्फेयर है वो किससे कनेक्टेड होते हैं? कार्पस कोलिजम से वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। 60-80% प्रोटीन होती है और 1-10% कार्बोहाइड्रेट होती है, बाकी जो है वो लिपिड होती है। द फेज दैट इज इन्वॉल्व्ड इन लाइसोजेनिक साइकिल। अब फेज किसे बोलते हैं? वायरस को। वायरस की जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसे क्या कहेंगे? वो लाइसोजेनिक फेज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉन सेल्यूलर इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स। अब नॉन सेल्यूलर, जैसे कि अब मेसोडर्म में कोलेनोकाइमा है, स्केलेरोनकाइमा, ये कोलेनोकाइमा स्केलेरोनकाइमा जो है वो एक लिविंग है, ये प्लांट के होते हैं, एनिमल के तो होते नहीं हैं। बाकी आ गया मेसेनकाइमा, मेसोडर्म, मेसोडर्म तो उससे हमारे ऑर्गन और सेल बनते हैं, तो मेसेनकाइमा आएगा। मेसेनकाइमा और हमने कहाँ पर पढ़ा है? फाइलम नाइडेरिया के अंदर हमने पढ़ा है कि नॉन लिविंग लेयर होती है। इन नॉन लिविंग एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर द क्वांटिटी विच रिमेन सेम। तो यहाँ पे आएगा के एम, ये के मेकन्स कांस्टेंट जो क्वेश्चन पहले भी एम केट की पेड टेस्ट वन में दिया गया था वही है, लेकिन उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइब टाइप ऑफ वायरस। वायरस किससे नहीं कहते? जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों हो तो वो नहीं होगा, डी इसमें होगा, बाकी करेक्ट ऑप्शन है ये रॉन्ग है। व्हाट इज द कलर ऑफ जेंथोफिल? जेंथोफिल का येलो कलर होता है, केरोटीन का रेड होता है, क्लोरोफिल का ग्रीन होता है। तो येलो पूछा गया है तो हम
ये लोग का जवाब देंगे। एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन होता है, और ये ट्रांसपायरेशन और गटेशन हमने कहाँ पे पढ़े थे, असेंट ऑफ सेप पे। तो जवाब आएगा हमारा क्या, असेंट ऑफ सेप। क्रोमोसोम दैट हैव डिफरेंट अलील, अब एक क्रोमोसोम जिसके डिफरेंट अलील हैं ऑफ अ गिवन जीन, एक जीन के डिफरेंट अलील होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ज़बरदस्त, हिट्रोजाइगस, सिंपल था। द जेनेटिक चेंज इन अ पॉपुलेशन कॉज्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, अगर जेनेटिक चेंज आ रही है पॉपुलेशन के अंदर, क्यों, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन हो रही है, तो क्या होगा, एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन की मीनिंग है मूव टूवर्ड्स बेटरमेंट, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत है कि वो बेटरमेंट की तरफ जाता है। हाउ मैनी पेयर ऑफ रिब्स, ये एक सपोर्ट एंड मूवमेंट से सवाल है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 13 पेयर ऑफ रिब्स हमारे गोरिला के अंदर होते हैं, 12 पेयर इंसानों में होते हैं। द मसल्स विच मूव अ बॉडी पार्ट टूवर्ड द मिडल लाइन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, अब ये सपोर्ट एंड मूवमेंट से अगेन लिया हुआ है, तो इसका जवाब होगा अबडक्टर मसल्स, जो बॉडी को टूवर्ड्स लेके आता है, दूर अडक्टर लेके जाता है। फ्लेक्सर्स, ये क्या करता है, बेंडिंग ऑफ ज्वाइंट, ये एक्सटेंसर ज्वाइंट को ओपन करता है। द रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर इन विच सेल डिवाइड कंटिन्यूसली, अब अनकंट्रोल सेल डिवीजन मीन्स क्या होता है, कैंसर, तो रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर है तो लंग कैंसर आएगा। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड दैट हैव बीन फाउंड इन टिश्यूज एंड सेल 20 होता है। सेंसरी एरिया दैट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम स्किन आर कंटेन्ड बाय विच ऑफ दी, सेंसरी जो है वो पेराइटल है, ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, ब्रेन के चार लोब्स होते हैं, ये सामने वाला फ्रंटल लोब, और ये जहाँ पे एजेस है हमारे सर के, ये पेराइटल है, और कानों के नज़दीक जो टेम्पोरल है, और बैक ऑफ दी हेड जो है वो ऑसिपिटल लोब है। सेंसरी जो हमारे पेराइटल लोब से आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीवी पोरस, वीवी पोरस उसे कहते हैं जो बच्चे देते हैं, अब बच्चे कौन देते हैं, डक देती है, नहीं डक तो भाई अंडे देती है क्योंकि बर्ड है, क्रोकोडाइल वो भी रेप्टाइल है वो भी अंडे देता है, तो ये दोनों अंडे देंगे तो ऑल ऑफ देम नहीं होगा, तो क्या होगा, गोट, गोट भाई लाइव यंग वंस देती है, जिसे हम वीवी पोरस कहते हैं। आपको छोटी से छोटी बात को भी यहाँ पे ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, सेल्फ रिप्लिकेशन नहीं, अंडरग्राउंड पार्ट में नहीं होता है, वहाँ पे लिकोप्लास्ट होते हैं इन्वॉल्व इन प्रोटीजन, नहीं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं और डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब पोलिनेशन क्योंकि कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनके कलर ग्रीन होते हैं, उसके साथ साथ जो एनिमल्स आते हैं लीफ को खाने, तो उसके साथ जो फ्लावर भी वो खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, तो उनके अंदर जो सीड होते हैं वो उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे वो डाइजेस्ट नहीं होते और बाथरूम में निकल जाते हैं, जिससे कि इंसान के अंदर अगर हम जैतून खा लें तो जैतून के बीज जो हैं वो इंसान हजम नहीं कर सकता, वो वैसे के वैसे निकलेंगे, तो इस तरह वो सीड एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्सल होते हैं, मूव होते हैं। कोफैक्टर, कोफैक्टर कितने होते हैं, एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो इसमें दो किस्म के होते हैं। 27 ए बैंड फर्दर डिवाइड इनटू एच जोन, ए बैंड के अंदर लाइट और डार्क बैंड दोनों होते हैं, लाइट मतलब कि एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं, लेकिन ए बैंड का जो पोर्शन एच है उसमें सिर्फ थिक फिलामेंट होती है। विच कैरेक्टरिस्टिक इज लीस्ट, मतलब कम से कम अफेक्ट ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल फिटनेस इन द टंड्रा, नॉक्टर्नल वर्सेस डायरनल एक्टिविटी आएगा। लंग्स आर स्पॉन्जी बिकॉज ऑफ अल्वियोलाई होते हैं, वो सेक लाइक होते हैं, तो वो इसी वजह से लंग्स जो हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग होगा। द टाइम इन वूमेंस लाइफ वेन मेंस्ट्रुएशन यूजुअली नो लॉन्गर अकर, अभी पहले क्या होता था, मेडिकल टेस्ट में सवाल आता था कि मेनराज क्या है, मेनोपॉज क्या है, मेनराज स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नोन एज मेनराज, मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी औरत में या वुमेन में स्टॉप हो जाए तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो ये अबाउट मोर देन 40 इयर्स की एज में, मतलब 43-45 मतलब यहाँ पे वो मेनोपॉज हो जाती है, तो जवाब आएगा मिड 40s। विच कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन एक्सप्रेशन, वो आएगा न्यूक्लियोस्टोन प्रोटीन।
ये डीएनए के साथ होती है। विच केमिकल रिएक्शन अकर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन गेन करेगा वाटर से तो वो क्या हो जाएगा रिड्यूस, और वाटर ब्रेक होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो वो ऑक्सीडाइज होगा। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सच इज दैट ईच गेमेट, हर गेमेट के अंदर एक अलील होता है एक करेक्टर का, तो जवाब आएगा बी। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ एनिमल? पॉलीमॉर्फिज्म किसे बोलते हैं? अकरेंस ऑफ मोर लेस और सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम बोलेंगे कॉलोनी, और ये किस में होता है? नाइडेरिया के अंदर होता है। इफ़ ऑल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन आर होमोजाइगस, अगर ऑल होमोजाइगस हो जाएं तो जीन फिक्स हो जाएगा, फिक्सिंग हो जाएंगी ना, मेज जैसे फिक्स हो जाती है। When was the presence of small filter passing ultra microscopic agent in yellow fever? अब ये हमारे जो पंजाब की बुक है वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इसका ईयर, ये इन्होंने दे दिया है पता नहीं क्यों, लेकिन पंजाब के वैरायटी ऑफ लाइफ में पहले ही पेज पे ये लिखा हुआ है कि येलो फीवर 1901 में डिस्कवर्ड हुआ था। द डॉटर हैज अ सन विथ एन अफेक्टेड मेल, अगर एक डॉक्टर है उसका बेटा हो रहा है उसका मेल जो है अनअफेक्टेड है तो उसके बेटे में कितनी परसेंट चांसेस है वो अफेक्टेड होगा? 75% चांसेस है वो अफेक्टेड नहीं होगा, 25% क्योंकि रिसेसिव कंडीशन है। मेंबर्स बिकम डोमिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से चैप्टर से लिया हुआ है और हमारे आउट ऑफ सिलेबस ये कह सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस इन्होंने दिया उसमें ये बताया कि पहले चैप्टर में सवाल नहीं आएगा, लेकिन आप देखें तो ये इसमें पूछा गया है कि मेमल्स जो हैं वो कौन से इरा में, हिस्टोरिक इरा में जो है वो डोमिनेट हुए हैं, वो कौन सा है? सीनोजोइक जो कि करंट है वो हमारा मेमल्स का है, और मीजोजोइक रेप्टाइल्स का है, और पेलियोजोइक या प्रोटोजोइक जो है वो इन्वर्टिब्रेट का है। व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज अ स्मॉल पॉक्स वायरस, ये कौन सा वायरस है? तो वो 39 व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज द स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस कौन से किस्म का वायरस होता है? डीएनए इन्वॉल्व्ड वायरस होता है, ये आपको किसी भी फर्स्ट ईयर बुक में वैरायटी ऑफ लाइफ में आपको ये जवाब मिल जाएगा। साइज ऑफ वायरस इज कम्पेयर टू बैक्टेरिया इज मच स्मॉलर, क्यों? क्योंकि एक हमने जुमला पढ़ा था कि पोरोसिलिन वायरस, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं और वो पोर्सलिन फिल्टर पेपर से क्रॉस कर सकते हैं। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओवीपेरस, ओवीपेरस उसे बोलते हैं जो अंडे देते हैं लेकिन वो मेमल भी हो, तो हमें पता है पेंगुइन एक बर्ड है, शार्क एक मछली है, स्पाइनी एंड इंटर जो है वो अंडे देते हैं, मेमल होते हैं लेकिन अंडे देते हैं। ग्लैक्सियोसोम्स आर मोस्ट अबंडेंट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ग्लैक्सियोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है तो वो गॉल्जी बॉडी राइबोसोम या एक्टिन प्रोटीन में तो नहीं होगा, वो प्लांट के सीडलिंग सेल्स में मौजूद होता है जहाँ पे वो क्या कराता है वो ग्लैक्सियोसोम फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म कराता है। द चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन बाय चांस फिनोमेना इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगी पॉपुलेशन में तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। इंजाइम बाइंड विथ केमिकल रिएक्टेंट, अब इंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट से बाइंड होता है तो लिहाजा सबस्ट्रेट आएगा, क्योंकि इंजाइम सबस्ट्रेट से ही बाइंड होगा और उस वो केमिकल का ही बना होता है, सबस्ट्रेट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड या किसी भी चीज़ का बना हुआ होता है। हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन वर्टिब्रा कॉलम, 33 आफ्टर फ्यूज्ड 26। सर्वाइवल ऑफ एनिमल डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम फ्राम इन्वायरमेंट, क्या लेता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता है। एंड एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन और कोफैक्टर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? होलो एंजाइम। डायमीटर ऑफ थिक फिलामेंट इज अबाउट 16, ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको नेशनल बुक फाउंडेशन से मिल जाएगी कि सपोर्ट एंड मूवमेंट में कितनी डायमीटर होती है। ATP मॉलिक्यूल आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग विच ऑफ प्रोसेस, अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो पहला स्टेप है एनर्जी इन्वेस्ट फेस, उसमें दो ATP यूज्ड होगी तो जवाब आएगा ग्लाइकोलाइसिस। द स्पर्म डक्ट ओपन इनटू विच ऑफ दी फॉलोइंग, यूरिथ्रा में ओपन होगा। विच ऑफ दी मोड ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होगी, पैसिव में नहीं होती, पैसिव के ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों ही पैसिव के एग्जाम्पल हैं।
विच ऑफ दिस के नॉट सिंक ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन, कौन सी चीज़ सिंक नहीं होगी। रूट सिंक होता है, फ्रूट जो उसमें भी फूड डिपोजिशन होता है, स्टेम नहीं होती, और लीव्स जो है वो मेच्योर सिंक तो नहीं होते लेकिन इमेच्योर होते हैं। फॉर अटैचमेंट रेबीज वायरस बाइंड टू एसिटाइल कोलिन से बाइंड करेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर इज हाईली वेरिएबल, क्यों वेरिएबल होंगे, क्योंकि कोई सेल कौन सा जीन एक्सप्रेस कर रहा है, जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए की साइज छोटी बड़ी उस हिसाब से लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रंट फ्लिपर ऑफ वेल फोर आर्म ऑफ वुल्फ हैव सिमिलर बोन स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट, तो उस वो किस में आएगा, होमोलागस आर्गन में आएगा। द वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड के दो रूट होते हैं, एक डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल जो है वो सेंसरी करता है, वेंट्रल जो मोटर न्यूरॉन्स को रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, कमांड लेते हैं मोटर न्यूरॉन ब्रेन से इफेक्टर तक। द लंग फिश आर थॉट टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम लोब्ड फिन फिशेस आएगा, तो उसके अंदर स्विम ब्लैडर भी है, तो आपको लोब्ड फिन फिशेस से आपको यहाँ से पता चल रहा है, और उसके बाद हम सी पे टिक करेंगे। द वर्ल्ड नो टोबैको डे वो 31 मई को आता है, इन्होंने पता नहीं क्यों दिया है। द फेज कंपोनेंट बिगेन टू असेंबल इनटू मैच्योर, फेज मतलब कि वायरस के फेज वो असेंबल होंगे, असेंबल किस में होंगे, जब उसके डीएनए और प्रोटीन कोड दोनों बन जाएंगे तो वो असेंबल होंगे। व्हाट वुड यू प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंड टू पेनक्रियाटिक एंजाइम, अगर पेनक्रियाटिक एंजाइम का क्या होगा अगर उनको हम स्टमक में डाल देंगे, अगर स्टमक की पीएच देखें तो वो एसिडिटी होती है और पेनक्रियाटिक की वो कम होती है, तो लिहाजा उसमें क्या होगा कि उसकी जो डिक्रीज एक्टिविटी होगी क्योंकि इंक्रीज पीएच की होगी, देयर फंक्शन वुड डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज पीएच, क्योंकि एसिडिटी जो होती है वो डिक्रीज पीएच होती है। एक एस्क्रीज इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, एस्क्रीज किसे बोलते हैं, इसकी हेलिमेंथिस नेमेटोडा फाइलम नंबर 4 वहाँ से सवाल लिया हुआ है कि उसमें क्या हो रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ट्री सीलोम, नहीं भाई उसके अंदर फॉल्स सीलोम होता है एंड मेटामेरिज्म होता है, ट्री सीलोम एब्सेंस ऑफ ट्री सीलोम बट प्रेजेंस नहीं, एब्सेंस ऑफ ट्री सीलोम एंड मेटामेरिज्म, क्योंकि मेटामेरिज्म भी हमें एनिलीडा में नज़र आ रहा है। इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ क्रोमोसोम फ्राम स्पर्म एंड द एग, उन दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, जायगोट, ये बहुत ही सिंपल है। हाउ मैनी कार्बन डज सिट्रेट हैव, अब कार्बन सिट्रेट में कितना होगा, सिट्रेट एक फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है क्रेब साइकिल का, उसमें क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और वहाँ से ऑक्सोलोएसीटेट आएगा, ऑक्सोलोएसीटेट के पास 5 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास 1 कार्बन है, मिलके क्या बनाएगा, C6 कंपाउंड जिसका नाम है सिट्रेट, तो उसके पास 6 कार्बन आएंगे। ल्यूसीथिन कंटेन, ल्यूसीथिन के पास क्या होता है, कोलिन सब्सटेंस होता है। ह्यूमन सेल फ्राम ओवरी हैज 22 क्रोमोसोम एंड एन एक्स क्रोमोसोम, यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरी, तो आप सब ओवरी एक देते हैं ना कि स्पर्म। 60 लास्ट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटन मसल इज कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन स्केलेटन मसल को मसल फाइबर बोलते हैं और इसके सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा बोलेंगे और इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, अगर उसके माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसको सार्को